वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आकांक्षा और आज की वीडियो में एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर का मैं रिव्यू करने वाली हूं ये जो मॉइस्चराइजर है मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था काफ़ी टाइम हो गया मतलब चार पाँच महीने हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन पर बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ तो जो मॉइस्चराइज़र है वो है ये इमोलिन प्रॉपरली ग्लाइकोल क्रीम नाम से भी इसको जाना जाता है बहुत पुरानी है काफ़ी सारे डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं तो मैं आज इसी का रिव्यू करने वाली हूँ तो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर मॉइस्चराइज़र ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है ऐसे ट्यूब में आता है और इसके ट्यूब की हालात देख के आप समझ सकते हो कि मैं इसको कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अफोर्डेबल है काफ़ी लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है मतलब मैंने इसको फिर में परचेज़ किया था तब से अभी तक ये चल रहा है ये जो मॉइस्चराइज़र है जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने सबसे तो पहले मेरी नज़र गई इसमें लिखा हुआ है क्रीम फॉर ड्राई स्किन ट्रीटमेंट तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया अब प्रिस्क्रिप्शन में तो ये सारी चीज़ें लिखी नहीं होती हैं कि ड्राई स्किन के लिए है कि कौन से स्किन के लिए है जब मैंने इसको परचेस कर लिया और मैंने इसको देखा कि ये तो ड्राई स्किन ट्रीटमेंट है तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कहीं मेरे डॉक्टर ने मुझे बाय मिस्टेक लिख दिया हो पर जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया इसने मेरे स्किन पर इतना अच्छा काम किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मिलकर बना हुआ है प्रॉपरली ग्लाइकॉल से तो प्रॉपरली ग्लाइकॉल जो होता है उसका होता है बहुत अच्छे से स्किन को हेयर को मॉइस्चराइज करना बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट में ये ही यूज़ किया जाता है हाइड्रेशन के लिए और हाइड्रेशन स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूर ज़रूरी होता है चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो चाहे ड्राई स्किन हो सेंसिटिव हो ऑयली हो हाइड्रेशन के बिना स्किन बेजान हो जाती है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ लोग प्रॉपलिन ग्लाइकॉल और एथलिन ग्लाइकॉल को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो जो एथलिन ग्लाइकॉल है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है पर ये प्रोप्लीन ग्लाइकॉल है ये स्किन के लिए और स्किन केयर प्रोडक्ट में इसलिए डाला जाता है जिससे कि स्किन को हाइड्रेशन मिल पाए तो आपको इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है इसलिए ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है साथ ही साथ ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया हुआ है वाटर बेस्ड है बिल्कुल लिक्विड है ये आ, क्रीम और बहुत अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट वेटेड है इसलिए ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है इसको यूज़ करने के लिए आप किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश कर लीजिए इसके बाद इस क्रीम की बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी लेनी है और इसको हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए याद रहे आँखों के पास इस क्रीम को यूज़ नहीं करना है ये मॉइस्चराइज़र है और मॉइस्चराइज़र के जैसे ही काम करेगा मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा ड्राई स्किन है बहुत अच्छी बात है ड्राई स्किन को तो ज़रूरत होती ही है मॉइस्चराइजेशन की पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपकी स्किन को ऑयली बनाए बिना और ऑयली स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्ने पिम्पल हो जाना तो ये एक्ने पिम्पल को बढ़ाता भी नहीं है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा अब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको लगाने से आपके एक्ने पिम्पल ठीक हो जाएंगे ठीक नहीं होंगे ये बढ़ाएगा भी नहीं पर एक्ने प्रोन स्किन पे भी हाइड्रेशन uh, की ज़रूरत होती है तो ऐसे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसीलिए uh, शायद मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है ड्राई स्किन है आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं दिन में भी यूज़ कीजिए और नाइट में भी यूज़ कीजिए दिन में यूज़ करते हैं सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है और साथ में आप इस क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो आपका नॉर्मल स्किन केयर रूटीन चलता है उसको फॉलो करना ही है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ इसको नाइट में यूज़ कीजिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तभी आप इसको नाइट में यूज़ कीजिए अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है या फिर एक्सफोलिएट हो रही है तो आप ऐसे केसेस में आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजर है ये हंड्रेड ग्राम का पैक है और सिर्फ इसी साइज में अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा अमेजन पे ये अवेलेबल है इसका लिंक मैं डिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको अगर आपने एक बार परचेस कर लिया तो आप इसको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे क्योंकि ये इतना अच्छा काम करता है आप इसके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे स्टार इसको मिले हुए हैं काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू ऑनलाइन भी हैं और बिल्कुल एक बार आप इसको परचेस करके देखिए चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ने नहीं देगा बहुत अच्छे से स्किन पर अगर आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम है फाइन लाइन का प्रॉब्लम्स है और एजिंग का प्रॉब्लम है इन सारे केसेस पे ये बहुत अच्छा काम करता है आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा हेल्पफुल रहा होगा पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय